मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि समोर बसलेले सगळ्या देशभक्त नागरिक भगिनी आणि बंधूंनो, मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि हमारे आत्मीय उमेंद्र जी मेरी बात को समझ सके। आपने बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनाई और ताने भी मारे, ताने हमको नहीं मारे, अपने सारे हिंदू समाज को मारे, जो बहुत ही सत्य थे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आप भारत की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के अंदर है, और ये पुणे जो है ना, ये पागलों का शहर है। जैसे आप पागल है ना, क्योंकि शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे जी कहते हैं कि वेड लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही आणि वेडी माणसंच इतिहास घडवतात। पागल जब तक आप होते नहीं है तब तक इतिहास नहीं होता है, और पागल लोग ही इतिहास का निर्माण करते हैं। और आप अगर अपने आप को, आपने मुझे कहा ना मैं पागल हूँ, मैं जब बैठा था आपने मुझे कहा मैं पागल हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर पुणे शहर में परमोच्च कोटि के पागल लोग आपको गली गली में मिलेंगे, जो दिन रात हिंदुत्व के लिए जागते रहते हैं, सोते नहीं है। और ऐसे ही पागलों में से एक हमारे बाजू में बैठा हुआ है, जिनका नाम चारू चंद्र उपासने जी है। मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, मी त्यांना एक प्रश्न विचारला कि हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये हे पुस्तक तुम्ही केलं, हिंदी इंग्लिश सोडून कोणत्या भारतीय भाषेत हे सगळ्यात पहिल्यांदा प्रकाशित होतंय? त्यांनी सांगितलं हे मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित होतंय, आणि मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित करणारा, अनुवादित करण्याचं काम संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठे होतं आहे? पुण्यामध्ये होतं आहे, आणि पुण्यामध्ये कोणी केलंय? चारूचंद्रजींनी केलंय। तो कम से कम रत्नूजी, आपको पुणे से हम निराश होकर कभी भेजेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बातें आपने बताई जो मैं भी लोगों को बताते रहता हूं, तो हम दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। बात इतनी है कि मैं राजनीति में हूं तो कुछ मर्यादाएं हैं, और कुछ मर्यादाओं के अलावा मैं बहुत ज्यादा मर्यादाओं का पालन वालन नहीं करता हूं। स्पष्ट बोलते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मैं इस संस्कृत सुभाषित से सहमत नहीं हूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात खर बोला, पण जे लोकांना आवडेल असं खर बोला। मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जय अप्रिय वाटेल असं सत्य बोलू नका, असं सुभाषितकारांनी सांगितलंय। जरूरी नाही की सगळ्या सुभाषितकारांनी सांगितलेलं ऐकलंच पाहिजे। सत्यम ब्रूयात अप्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम प्रियम, ये हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। आज त्यांनी जे केलेलं आहे, आपल्याला अप्रिय वाटणारं सत्य त्यांनी सांगितलेलं आहे, ते गोडगोड गोडगोड भाषण देऊन गेले असते, कार्यक्रम वेळेवर संपला असता, पण आपला अंतरात्मा जागृत झाला नसता। अंतरात्मा जागृत करण्यासाठी हृदयापासनं टाहो फोडावा लागतो, डोळ्यांमधनं अश्रू यावे लागतात, त्यावेळेला समोरच्याचा अंतरात्मा जागृत होतो। मन नाही, मनाची गोष्ट नाही सांगत आहे, मन वडाय वडाय। आता इथे बसल्या बसल्या व्हॉट्सअपवरती चॅटमध्ये मन कुठेतरी निघून गेलेलं असेल। मन नाही, अंतरात्म्याला हात घालण्याचं काम आज आमच्या समोर आमच्या उमेंद्रजींनी केलेलं आहे। मैं लोगों को बताता हूँ, मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ, ये बातें आपको बुरी लगेगी, और अगर बुरी लगेगी तो उसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बुरी लगे, और अगर बुरी नहीं लगी है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि देश के लिए संकट जारी है, संकट पर सॉल्यूशन नहीं है। अगर इन बातों का आपको बुरा नहीं लगता है तो बुरी लगनी ही चाहिए, और उसमें से अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए, और आपको कुछ ना कुछ करने के लिए नहीं, बहुत कुछ करने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। ऐसा आपका भाषण था, और ये सब लोग समझदार लोग हैं। अब आपने देखा, आप ढूंढ कर आइए, पूरे भारत में आपको बहुत कम स्थान मिलेंगे जहां पर आपको राष्ट्रवीर संघ जैसी संस्थाएं मिलेंगी।
यहाँ पर आपने देखा किस तरह से छोटे बच्चे, इनके अंदर आपको देवी अहिल्या दिखाई दे रही थी, राजमाता जिजाऊ दिखाई दे रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई दिखाई दे रही थी, चेन्नम्मा दिखाई दे रही थी, रुद्रमांबा दिखाई दे रही थी, हमें यहाँ पर युवा दिखाई दिए। वो जो दान पट्टा चला रहा था, उस दान पट्टा चलाने वाले का तो पराक्रम था ही, लेकिन जिसको लेटाकर उसके सीने पर ककड़ी रखी गई थी, उसके हिम्मत की आप दाद दीजिए। छोटे बच्चे हैं, गलती भी हो सकती है, लेकिन गलती की परवाह नहीं की है, क्योंकि इस कला की महानता अगर लोगों को दिखानी है तो कुछ लोगों को जान को खतरे में डालना पड़ता है। इस बात को समझने वाले बच्चे पुणे के अंदर निर्माण करने का काम यह राष्ट्रवीर संघ करता है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। और यह राष्ट्रवीर संघ की शाखाएं महाराष्ट्र के हर गांव में होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए। दुर्भाग्य से सब जगह पर पोवाड़े सुनने के बजाय जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, लंडन ब्रिज फॉल डाउन, लंडन ब्रिज फॉल डाउन। अरे पडला मेला लंडन चा ब्रिज, तुझे कोणी मेलं का त्याच्या खाली, कशाला परेशान होतोस तू? आमची पिंकी की नाही सुंदर पोएम्स म्हणते, म्हण बघू पिंकी, मती पिंकी येऊन अशी उभी राहणार, जॅक अँड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वॉटर। अरे काय जॅक, कसली जिल, कसली हिल, काहीतरी चाललेला असतो तमाशा आपल्या घरांमध्ये। जरूरी आहे का त्यात सगळ्या कविता ज्या इंग्रजांना शिकवल्या जात होते त्या आमच्याही मुलांना शिकवल्या गेल्या पाहिजे? इंग्रजी शिकायचं ना, शिकाना नाही कोण म्हणतंय, पण त्या इंग्रजीमध्ये तुम्ही उत्तम कविता शिवाजी महाराजांच्या करू शकता, त्या लहानपणापासून मुलांना शिकवू शकता। लंडन ब्रिज फॉल डाऊन कशासाठी पाहिजे? पण नाही, आमच्या देशामध्ये सगळ्यात मोठा अभिशाप जर कुठला असेल, सगळ्यात मोठा अभिशाप या देशाचा हा पहिला पंतप्रधान नेहरू होता, सगळ्यात मोठा अभिशाप होता। त्यांनी या देशाची वाट लावायला सुरुवात केली आणि संपूर्ण परंपरा त्या खानदानांनी चालू ठेवली, आणि तडफडतायत ते पुन्हा सत्तेवर येऊ शकत नाहीत म्हणून तडफडतायत। काश्मीरची वाट पंडित नेहरूंनी लावली एवढंच नाही, नॉर्थ ईस्टची देखील वाट जर लावली असेल तर ती पंडित नेहरूंनी लावली। ईशान्य भारताबद्दल, आता ईशान्य भारताची मला माहिती नाही, एवढं तरी किमान म्हणणार नाही तुम्ही। ईशान्य भारताची, इस देश के नॉर्थ ईस्ट को शुरू से अगर किसी ने तबाह कर दिया, क्योंकि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दो रीजन्स में ध्यान देने के लिए मना कर दिया कि देखो जम्मू कश्मीर मैं देखूंगा और नॉर्थ ईस्ट मैं देखूंगा, बाकी सारा देश आप देख लो। सारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुरक्षित कर दिया, और आज तक हमारी समस्याएं अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट है। कम से कम 100,000 लोगों के बलिदान इन दो प्रदेशों को भारत में बनाए रखने के लिए हुए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझा कर अब रास्ते पर जाने पर चल रहा है, लेकिन वहां के लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कन्विंस हो चुका है। और नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे देश का पूर्वोत्तर भारत, अभी विकास की ओर बढ़ रहा है। मणिपुर का अपवाद है, उसके भी कुछ कारण है, उस कारण, उन कारणों के पीछे चर्च का इन्वॉल्वमेंट है, उन कारणों के पीछे बड़ी संख्या में आकर वहां सेटल हुए रोहिंग्याओं का जो है एक बहुत बड़ा हाथ है, उन कारणों के अंदर बांग्लादेश से जो मुसलमान मणिपुर में आए, उन्होंने वहां की हिंदू महिलाओं से विवाह किया, और विवाह करने के बाद उनके जो बच्चे हो गए वो मुस्लिम हो गए, और मणिपुरी मुस्लिम करके एक अलग आबादी निर्माण हो गई, और इस प्रकार से उस राज्य में हिंदुओं की संख्या कम होते जाना, ये एक बहुत बड़ा, परम पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने ये बहुत स्पष्टता से पुणे में ही कहा था कि देश में जिन जिन इलाकों में हिंदुओं की आबादी कम होती है वहां से देश से बाहर निकलने की मांगे शुरू होती है। ये बाला साहेब देवरस जी ने कहा हुआ है, पुणे में ही कहा हुआ है। तो मेरे दृष्टि से कड़वी बातें बतानी चाहिए जो आपने बताई, और पुणे के अंदर मैंने आपको कहा कि आपको आशा के बहुत सारे किरण मिल सकते हैं। आपने शहीद की बात बताई, मेरा गए कुछ वर्षों के सारे ट्वीट्स निकाल कर देखिए, मैं कहीं भी शहीद शब्द का उपयोग नहीं करता।
एक बार मेरे कार्यालय के किसी व्यक्ति ने जो ट्वीट करता है, अभी बहुत व्यस्तता रहती है, कभी टीम को बता देते, उसने शहीद शब्द डाला तो उसको आधा घंटा बैठाकर मैंने क्लास लिया। जो इस्लाम के लिए मर जाता है वो शहीद होता है। यार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या इस्लाम के लिए मर गए क्या? चंद्रशेखर आजाद इस्लाम के लिए मर गए क्या? हम समझेंगे ही नहीं शब्दों के अर्थों को और बेवकूफों जैसे यूज करते जाएंगे। माहिती इसने आम्हाला काही शहीद 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 शहीद, अरे काय शहीद? बलिदानी म्हणा, हुतात्मा म्हणा, हौतात्म्य पत्करलं म्हणा, मराठीत म्हणायचं असेल तर। छोटे छोटे शब्दों से कन्वर्जन होता है विचारों का, और ये ऐसे बढ़ते जाता है कन्वर्जन। जब जानकारी नहीं रहते हैं तब ऐसे बेवकूफ हुल्लड़बाज और देशद्रोही लड़के हमारे हिंदू परिवारों में जन्म लेना शुरू करते हैं। जो महान सावित्री बाई फुले जी के नाम से चलने वाले पुणे विश्वविद्यालय में जो दो एक दिन पहले जो ड्रामा हुआ है, जिससे पूरा पुणे शर्मसार हुआ है। कितनी भयंकर बात है कि मंच के ऊपर राम और सीता, इनका इतना बुरा विडंबन होना और पुणे जैसे शहर में होना, पुणे का कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी कोई हिम्मत ना करे, अगर कोई ऐसी हिम्मत फिर करेगा तो देखिए ठिकाने पर नहीं रहेगा कोई भी। ये सबसे पहले कंट्रोल करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, यूनिवर्सिटी के। आप क्या ड्रामा दिखा रहे हो उसका पहले स्क्रिप्ट दिखाओ, दिखाने से पहले। उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी पुलिस की है, और अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी नहीं समझती है तो पुणे का हिंदू समाज अपनी जिम्मेवारी समझता है, और हिंदुओं ने अपने जिम्मेवारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाना भी चाहिए। असली थेरो पुण्यात चालू देणार नाही आम्ही, चालू देणार तुम्ही बोला, जरा हात वर करून बोला, चालू देणार का नाही? नाही चालू देणार ना। देखिए मैं आपको पुणे की दिखा रहा हूं, पुणे का पैशन। मुझे भी जाना था लेकिन मैं नासिक में था, तो नासिक से प्रवास करते करते मुझे 6 बज गए, तो यहां भी थोड़ा विलंब से पहुंचा, नहीं तो वो 5 से 6 मोर्चा में मैं आने वाला था आप लोगों के साथ। कोई बात नहीं, ये देशद्रोही और भी मौके देने वाले हैं, इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं है। जब तक ये FTII में ऐसे तमाशे चलते रहेंगे और ये टुकड़े टुकड़े गैंग और इनका मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव और हिंदू समाज की बेवकूफी। हिंदू समाज ने कितने बच्चों को, कितनी बेटियों को पन्नादाई बताई, कितने हम लोगों को पन्नादाई मालूम है। ये पुणे है इसलिए शायद कुछ लोगों को पन्नादाई मालूम होगी। महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह जी थे, महाराणा उदय सिंह जी। लेकिन उदय सिंह जी जब 7 वर्ष के थे तब उनकी जिम्मेवारी, उनके पिता गुजरने से पहले पन्नादाई, मतलब जो उनकी दासी थी, दासी मतलब केयर टेकर, बेसिकली बच्चे की केयर टेकर, हम लोग उसको आया कहते हैं। उदय सिंह की आया थी पन्ना, दाई मतलब केयर टेकर। पन्ना को जिम्मेवारी दी अपने बेटे की, देख उदय सिंह की रक्षा करना तुम्हारा काम है, और वहां पर राजगद्दी पर बैठने के लिए एक लालची राजा जो क्लेम कर रहा था कि मैं वहां पर बैठूंगा, बनवीर, और बनवीर ने सोचा कि अगर मैं उदय सिंह का खात्मा करूं तो राजवंश बचेगा ही नहीं, तो मैं ही राजा हो जाऊंगा, और इसीलिए उसने सोचा कि मैं उदय सिंह को मार डालूंगा, 7 साल के उदय सिंह को मार डालूंगा। और पन्ना को पता चला, पन्ना ने 7 साल के उदय सिंह को महल के बाहर निकाला और भेज दिया दूसरे राज्य में। और जब उसके सामने बनवीर आया और तलवार निकालकर पूछता है कहां है उदय सिंह, आप इमेजिन कर सकते हैं, पन्ना अपने खुद के 7 साल के खुद के जने हुए स्वतः जन्म दिलेल्या 7 वर्षाचा त्याच्याच अंगकाठीच्या त्याच्या सारख्याच जवळजवळ पोशाख घालणाऱ्या 7 वर्षाच्या चंदन नावाच्या स्वतःच्या मुलाकडे बोट दाखवलं आणि पन्नानी म्हटलं बनवीर ये रहा उदय सिंग, आणि आईच्या डोळ्यासमोर खांडोळ्या केल्या तिच्या स्वतःच्या मुलाच्या,
आणि पंदानी तोंडातन चित्कार देखील काढला नाही. रघुकुल की रीत सदा चली आई के प्राण जाहू पर वचन न जाई. असे उदाहरण आहेत. आणि आम्हाला शाळेमध्ये पन्नाबाईचं उदाहरण नाही सांगितलं गेलं. हमने नहीं बताया हमारे बच्चों को पन्ना कौन थी. इतिहास में लिखा नहीं गया पन्ना कौन थी. लेकिन पन्ना किसी इतिहास का मोहताज नहीं है. किसी इतिहास में उसके ऊपर किताब भले ही ना रखे हो, किसी ने उसके ऊपर सीरियल ना बनाई हो, किसी ने उसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनाई हो, किसी ने उसके ऊपर कादंबरी ना लिखी हो, लेकिन आज सुनील देवधर जैसे लोगों को तो पता है ना पन्ना कौन है. वो अपने भाषणों में बताता तो है ना. क्योंकि हमारे देश में ये कहानियां माँ अपने बच्चों को, बच्चे उनके बच्चों को मौखिक ढंग से बताते बताते ये सारी कहानियां हम तक पहुंची. कहते हैं किंवदंतियां है. अरे किंवदंतियां क्या है, हमारा इतिहास है. ऐसे ही कोई स्वप्न देखा और ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बताते बताते आगे नहीं पहुंची है. जो सत्य हुआ है उस सत्य को कहानियों के रूप में हमारी दादी ने हमारे आगे इस देश में बहुत बड़ा काम धर्म की रक्षा का दादी माँ ने किया हुआ है. जो अपने पोतों पोतियों को कहानियां बताती थी उसमें से वास्तविक इतिहास जिंदा रहा है. और आपने तो महान काम किया. ये 1000 वर्ष का इतिहास आपने दिया. और आपने तो महान काम किया ही. लेकिन चारुचंद्र उपासनी ने मराठी समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया कि आपने जो लिखा उसको उन्होंने मराठी भाषा में पहुंचाया. वात्सल्य पाहिजे महाराणा प्रताप वाला पढ़ना ही चाहिए. आप वहां से आते हैं जहां पर वो जो गीत है ना, ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों से. इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे. ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे. कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे. बोल रही है कणकण से कुर्बानी राजस्थान की. इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. रत्नु जी आप उस राजस्थान से आए जिसके ऊपर ये काव्य लिखा गया था. और आप ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर उसी गीत में कहा गया है, देखो मुल्क मराठों का ये यहां शिवाजी डोला था. मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था. हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था. बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था. शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की. इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. अगर आप राजस्थान से आए हैं तो हम महाराष्ट्र वाले हैं. और आपने क्या कहा कि हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जो रोज 3 लड़कियां जो अगवा की जाती है, जिन पर बलात्कार होता है, उन 3 लड़कियों की सुरक्षा, उन 3 लड़कियों की प्रतिदिन 3 रोज 3 मुली उचलून नेला जाता है पाकिस्तानामध्ये. बांग्लादेशची तो फिगर त्यांच्याकडे नाहीच आहे. पाकिस्तान बांग्लादेश सब जगह पर यह घटनाएं हो रही है. और आपने तो 1.5 करोड़ की आबादी का बताया गायब हो गई. मैं आपको बताता हूं चकमा बुद्धिस्ट कहां चले गए. जो पूर्व पाकिस्तान बना, पूर्व बंगाल जो था वो पार्टीशन होने के बाद पूर्व पाकिस्तान बना. कोई कारण नहीं था. चितगांग हिल ट्रैक से जो जिला है जो पूर्व बंगाल का हिस्सा था, तो चितगांग हिल ट्रैक्स हे चकमा लोक तिथे राहतात, ट्राइबल आहेत आणि ते सगळे गौतम बुद्धाला मानणारे बुद्धिस्ट लोक होते. आणि तिथे मुसलमान नव्हते. पण म्हटलं ना नेहरू पुन्हा पुन्हा हर चीज जाकर उस नेहरू के पास जाकर पहुंच जाती है. आणि नेहरूंना कोणी सांगितलं नाही सांगितलं त्यांनी देऊन टाकलं. ते ठरलं असं होतं की जे मुस्लिम बहुल आहे तेच गेलं पाहिजे पाकिस्तानामध्ये. चितगांग हिल ट्रैक्स वॉज नेवर मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट. इट वॉज टोटली हिंदू मेजॉरिटी, दैट इज चकमा बुद्धिस्ट. आणि गेलं ते पाकिस्तान मध्ये गेलं. पाकिस्तान मध्ये गेलं
आणि किमान 50 लाख चकमांचं शिरकाण झालेलं आहे. कम से कम 50 लाख चकमा गायब हो गए. कहां चले गए? धरती खा गई, आसमान निकल गया, हवा हो गए. कहां चले गए सब? कौन देखेगा इसके बारे में? कौन लिखेगा? कौन पूछेगा? जो जान बचाकर भागे वो मिजोरम में जाकर कमला नगर में रुके, जो जान बचाकर भागे वो अरुणाचल में जाकर शरण लेकर रहे, जो जान बचाकर भागे वो त्रिपुरा में आकर चकमा आबादी बहुत बड़ी है, 2 MLA हमारे चकमा, 1 मिनिस्टर है. ये सब मिजोरम से जान बचाकर भागे, बांग्लादेश से जान बचाकर भागे. ये सारा इतिहास मालूम ही नहीं है. आप बता रहे हैं कि हमको वो 800 साल का इतिहास मालूम नहीं है. ये हमारे यहां पर देश में आज क्या चल रहा है हम लोगों को मालूम नहीं है. पुणे मध्ये किती मोठा लव जिहाद चालला आहे माहिती आहे तुम्हाला? ते सगळं सोडा, पुणे असुरक्षित आहे, पुणे इज इन डेंजर. कोंडवा, मी ती पाकिस्तान आहे ना, बोला हो की नाही? 25 वर्षापूर्वी होता का? कसा काय झाला? कोण झोपलं होतं? आम्ही सगळे झोपलेले होतो. आम्ही झोपलेले होतो म्हणून तो 25 वर्षांपूर्वी जे कोंडवा मिनी पाकिस्तान नव्हता तो आज मिनी पाकिस्तान झालेला आहे. आणि आपण सगळे जर झोपून राहिलो तर 25 वर्षानंतर पुणे मिनी पाकिस्तान होईल. त्यांचं जर नाही ऐकलं, आम्ही सांगतोय ते जर नाही ऐकलं आणि वेळीच कारवाई नाही केली. सदाशिव नारायणामध्ये ऑटो रिक्षामध्ये बसल्यावर तुम्हाला कोणीतरी विचारतो, रिक्षा ड्रायव्हर, जनाब कहां जाना है, खतरे की घंटी नहीं लगती आपको? कोण रोहिंग्या है, कोण बांग्लादेशी है, कोण अफगाणिस्तानातून आला है, कोण कुठून आला है? आमच्या मुलींना जाळे टाकून कसे उडवून नेतात? लव जिहाद वर काम करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेपासून अनेक संस्था काम करतायत, रेस्क्यू करतायत, पण ज्याची माहितीच मिळत नाहीये त्यांचं काय होतंय? भयावह स्थिती आहे. पुण्याचं संरक्षण कोण करणार? आपण पुणेकर सगळे करणार. आणि त्याच्यामुळे ते खूप लांब तिथे जायची गरज नाही. वी आर कन्सर्न्ड अबाउट एव्हरी गर्ल चाइल्ड हु इज हिंदू और सिख इन पाकिस्तान. और मैं सिर्फ इतनी बात नहीं कहता कि त्यांच्या सुरक्षेची आपण काळजी, हम सिर्फ इतनी बात नहीं करेंगे कि उन लड़कियों की सुरक्षा की हमने चिंता करनी चाहिए. मैं एक स्टेप आगे जाकर बताता हूं, जिन्होंने उनके साथ कुकर्म किया है उनकी पनिशमेंट का जिम्मा भी हमने लेना चाहिए. ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उनको? वो जो लड़की आपने तड़पती देखी, उस लड़की को जिन 4 दरिंदों ने बलात्कार किया उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताइए? अरे बकरे की मिनमिहाट क्यों निकलती है आपके अंदर से? उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो सजा की बात कीजिए, सुरक्षा उनको और सजा दरिंदों को. और मुझे भरोसा है देश एकदम सही दिशा में जा रहा है, देश एकदम सही दिशा में जा रहा है. आप एकदम यह अपेक्षा मत कीजिए कि आपको सारी चीजें एक दिन मिलेगी. आपको वो सोने का रोज एक अंडा देने वाली मुर्गी का किस्सा मालूम है ना? रोज एक अंडा मिल रहा है, आप काहे को चिंता करते हो? आप काम करते रहिए, आप जागरूक रहिए, आप सेंसिटिव रहिए और आप समय दीजिए इस कॉज के लिए. टेक केयर ऑफ पेनीज, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, अशी इंग्रजीत म्हण आहे. प्रत्येक पैशाची तुम्ही काळजी करा, रुपया आपोआप सुरक्षित होऊन जाईल. तुम्ही जर बसून रुपया काय करतोय म्हणायला काही नाही. तुम्ही पैशाची काळजी करा ना. तुम्ही आपल्या पुण्यामधल्या एकेका घराची काळजी करा. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या घरामधल्या मुलींना वाचवण्यात, सगळ्यात पहिल्यांदा. कोणाशी बोलते? स्मार्टफोनवर चॅट कोणाशी चालतो? किती फ्रीडम दिलेला आहे? कुठल्या गोष्टीसाठी किती फ्रीडम द्यायचा? तुला सुंदर डान्स शिकायचा, शिक ना, फ्रीडम आहे तुला. तुला काव्य शिकायचंय, तुला संगीत शिकायचंय, तुला अभ्यास करायचाय, भरपूर फ्रीडम आहे. पण अनोळखी माणसाशी जर तू चॅट करत असशील, अनोळखी माणसाला जर तू तुझा नंबर देत असशील आणि आई वडिलांपासून दूर जाऊन जर तू तासन तास बोलत असशील आणि मग तुम्हाला सांगावं लागेल हे चालणार नाही म्हणून, आणि चालणार नाही म्हणून सांगूनही होणार नाही,
नंतर तिकडनं तर्क येईल, नाही माझा अब्दुल तसा नाहीये म्हणून. जागृती करणे की बात है ये. बहुत संकट की चिंता मैं इसलिए नहीं करता कि जब जागृति हो जाती है ना, हमारे इन्हीं लोगों के अंदर से महाराणा प्रताप प्रकट हो जाते हैं, इन्हीं के अंदर से गुरु गोविंद सिंह प्रकट होते हैं, इन्हीं के अंदर से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रकट होते हैं. बस बस वो जरा फुंकर मारून थोड़स ती राख जरा उडवण्याची गरज आहे, बाकी जास्त काही नाही. संस्कार आहेत, हिंदुत्व नसानसांमध्ये भरलेलं आहे. साधू संतांची आणि महापुरुषांची आमच्यावर उपकार आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे ऊपर अनंत उपकार है. मुझे पहले महाराणा कहां पता चला मालूम है? जब मैं शाखा में जाता था तब गीत आया. क्या गीत था वो महाराणा प्रताप के ऊपर? हाँ, गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से, वीरों की यह सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से. हाथी पे सलीम है, चेतक पे राणा है, हाथों में भाला है, देखो चेतक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया. टक 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 धूम. सुना आपने? संघ की जो शंख की केतक रचना, चेतक रचना जो है ना, वो चेतक रचना का ये स्वर है जिसके ऊपर ये गीत बनाया. हमने बचपन में जब गाया तब हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो गए. महाराणा प्रताप को गली गली में पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा ने किया है. गुरु गोविंद सिंह को पिता जिनाम दे तेग बहादुर, माँ गुजरी ता जाया के हिंद तेरी शान बदले, गीत हमको संघ में सिखाए गए. अब यहां पर एक सूत्र संचलन करने वाले ने भी एक दो लाइन उसमें से कही थी, वाघाचा जबड़ात घालुनी हाथ मोजीते दात जात ही अमची, पहा चाळुनी पाने पाने अमुचा इतिहासाची, याची पान चाळली पाहिजे. जिवंत वीर तर लढले लढले नवल काय ते घडले, धडा वेगळे शीर झाल्यावर धडते अवघे लढले, मुरार बाजी म्हणती त्याला अमर कथा ही त्याची, पहा चाळुनी पाने पाने अमुचा इतिहासाची. महाराष्ट्र की महिलाएं नौवारी साड़ी पहनती है, तो देश भर में मुझे लोग पूछते हाँ आपके वहां महिलाएं धोती जैसी साड़ी पहनती है. मैंने कहा बिल्कुल धोती जैसी साड़ी पहनती है. मालूम है क्यों? क्योंकि वो योद्धा थी, वो रणरागिणी थी, वो वीरांगनाएं थी और हॉर्स राइडिंग करती थी. अगर हॉर्स राइडिंग आपको करना है तो भारत के केवल दो पोशाक ऐसे हैं जिससे आप हॉर्स राइडिंग महिलाएं कर सकती है. एक महाराष्ट्र की नौवारी है और दूसरी पंजाब का पंजाबी ड्रेस है. बाकी कोई भी साड़ी भारत की ये योद्धा महिला को हॉर्स राइडिंग करने की परमिशन नहीं देगी. तो महाराष्ट्र में पुरुष काय पण स्त्रिया ही लड़ल्या परंपरा ही अमुची, तुम्हा काय ठाऊक ती लढली वीरांगना झाशीची, दाभाड्यांची उमा ती लढली चेन्नाम्मा कित्तूरची, पहा चाळुनी पाने पाने अमुचा इतिहासाची. गीत कहां गए ये सब? इन्होंने तो सुना ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है. जोपर्यंत असं ऐकणार नाही, जोपर्यंत आपण असं शिकणार नाही, जोपर्यंत असं आपण फॉरवर्ड करणार नाही लोकांना, तोपर्यंत अंगामध्ये चैतन्य कसं येईल, रोमांच कसं उभं राहील अंगावरती, रोंगटे खड़े होते ऐसे गीत सुनने के बाद. बहुत कुछ बोलने की इच्छा थी लेकिन मैं नहीं बोलूंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछा गया, अक्षय कुमार इंटरव्यू ले रहा था, पूछा कि आप कभी फिल्में विल्में देखते हैं? कुछ गाने भी ने आपको याद है? बोले फिल्में तो देखने को समय नहीं मिलता है. तो आपकी इच्छा तो वो पहले से ही पूरी कर रहे हैं, फिल्में देख नहीं रहे. और दूसरा, बॉलीवुड कभी मत बोलिए. बॉलीवुड शब्द बदनाम शब्द है, चरसी गंजेड़ी और नशा में लिप्त लोगों का शब्द है, बहुतांशी देशद्रोही लोग हैं बहुतांशी. इसलिए हिंदी सिनेमा इस पवित्र शब्द का उपयोग कीजिए. हिंदी सिनेमा क्या है? बॉलीवुड कॉपी कैट चिल्लर रैट है, वो हॉलीवुड है. तो ये बॉलीवुड क्या मतलब है? हमारा अपना कुछ नहीं है अंदर से. मेरा कहना यह है कि मोदी जी ने भी दो गाने याद किए. उन्होंने कहा दो गाने, मुझे तो बस दो गाने याद हैं. अतः मैं लता भक्त हूँ इसलिए मुझे अभिमान है कि दोनों गाने लता जी ने गाए हुए थे. एक तो उन्होंने कहा ज्योति कलश छलके,
सुधीर फड़के जी ने म्यूजिक दिया है उसको, और दूसरा गाना उन्होंने कहा, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो, और उसके बाद में भी टक 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 का म्यूजिक है। महाराणा प्रतापाच्या चेतकावर लिहिलेले ते सुंदर गीत है। आजचा दिवस है कि आपल्या सगळ्यांना शक्तीची उपासना करण्याचं गांभीर्यानी विचार करण्याची आवश्यकता आहे, आणि म्हणून ही शक्ती ही फक्त शारीरिक शक्ती नाही आहे, ही मानसिक शक्ती, ही आध्यात्मिक शक्ती आणि आपल्या विचारांची शक्ती, कन्व्हिक्शन। शस्त्र लढत नसतं, लोक विचारतील हे दंड खेळून काय होणार आहे, आम्हालाही विचारायचे दंड खेळून काय होणार आहे, दंड खेळून काय होणार आहे, त्याचं उत्तर असं आहे की असं दंड खेळून तयार झालेला पुण्याचा प्रमोद नारायण दीक्षित आसाममध्ये जाऊन युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ज्यावेळेला सांगतं की इथे भारत माता की जय म्हणणारं संघटन आम्ही चालू देणार नाही, तिथे 12 वर्ष हिंमतीनी दैनंदिन शाखा एकदम मैदानावरती अभिमानाने लावण्याचं काम पुण्याचा युवक करतो, 12 वर्ष करतो, आणि 16 ऑगस्ट 1991 पाठीमागनं उल्फा त्याच्यावर गोळ्या घालतो आणि त्यांची हत्या करतो। मन तयार होतं दंड खेळणाऱ्यांच्याकडनं, दानपट्टा खेळणाऱ्यांच्याकडनं, आपल्या मुलांना हे सगळं शिकवा, आपण सगळे हे सगळं शिका आणि आपण सगळीजणं तयार होऊया। विकसित भारत मोदींनी म्हटलेलं आहे, विश्वगुरु आपल्याला माहिती आहे, आणि स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलंय की मी पाहतोय की भारत माता जगाच्या सर्वोच्च सिंहासनावर बसून सगळ्या जगाला मार्गदर्शन करते। योगी अरविंदांचा फोटो दाखवला, त्यांनी म्हटलेलं आहे की हे विभाजन राहणार नाही, हा भारत सगळा एक होईल। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी म्हटलेलं आहे की सिंधू शिवाय भारत आपण कल्पना नाही करू शकत, आणि जोपर्यंत एक हिंदू जिवंत आहे तोपर्यंत तो त्या पुण्यसरीला सिंधू नदीला कधी विसरणार नाही, आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या महापुरुषांचं आपण स्मरण करू। अगदी दक्षिणेच्या अल्लुरी सीताराम राजूपासनं नॉर्थ ईस्टच्या पूर्वांचलाच्या कियंग नांगबा वीर टिकेंद्रजीतपासून कनकलता बरुआ आणि लाचित बडफुकनपासून 10 च्या 10 गुरुजीच्या बलिदानांना लक्षात ठेवू। कसं मोदी छोटी छोटी कामं करतात, 26 डिसेंबर वीर बाल दिवस डिक्लेअर केला की नाही, नाहीतर याच्या आधी बालदिन काय होता, पंडित नेहरूंचा वाढदिवस म्हणजे बालदिन। अरे काय केलंस देशाच्या बालकांसाठी, गुलाबाची फुलं लावली, कबूतर उडवली, बालदिन कुठला, वीर बालदिन, जोरावर सिंग फतेह सिंग खड़े है सामने और उनको जिंदा दीवारों में चुनवाने की सजा दी है, मुसलमान बनो नहीं तो मर जाओ। ये गुरु के बच्चे बोलते हैं मुसलमान नहीं बनेंगे, मरने के लिए तैयार है। दीवार ऊपर ऊपर आती है, जोरावर रोना शुरू करता है, खान को लगता है कि डर गया, शेर का बच्चा डर गया, बोलता है चल बाहर निकल मुसलमान बन जा, जान बच गए बच जाएगी, रो रहा है क्यों। जोरावर सिंह कहते हैं दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मरने वाला हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि धर्म पर बलिदान होने का बड़ा भाई होने के नाते पहला अधिकार मेरा है, और चूंकि फतेह सिंह की ऊंचाई कम है, दीवार नीचे से ऊपर आ रही है, पहला बलिदान उसका होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। ही गोष्ट तुम्हाला माहिती नव्हती ना, माहिती असायला पाहिजे होती ना, पण मोदींनी 26 डिसेंबर वीर बाल दिवस जोरावर सिंग फतेह सिंग यांच्या बलिदान दिवसाला बदललं, करून दाखवलं। खूप गोष्टी ते करतायत, विश्वास ठेवा। हे ज्यादा हिंदूवादी जो लोग रहते ना, वो हर बात पे तलवार लेकर हमारे ही लोगों के ऊपर आ जाते, उधर जाकर तलवार दिखाने की हिम्मत नहीं होती है, मैं नहीं कहूंगा, एक एक छोटी छोटी चीज पर एकदम तलवार निकालते, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैं उनको सलाह देता हूं, साईं बाबा की भक्ति कीजिए, क्योंकि साईं बाबा ने दो चीजें बताई है जो आज सारे जो कट्टरपंथी हिंदू युवा है ना, उनको वो दो चीजें मालूम रहनी चाहिए, एक है श्रद्धा और दूसरा है सबूरी। कीप फेथ ऑन युअर लीडरशिप, तुम्ही मोदी शांवर विश्वास ठेवा, तुम्ही आपल्या पूजनीय सरसंघचालक आणि संघाचे जितके म्हणून नेते आहेत त्या सगळ्यांवर तुम्ही विश्वास ठेवा, त्यांच्यावर श्रद्धा ठेवा, आणि दुसरं पेशन्स ठेवा, पेशन्स ठेवा। सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी आलेली आहे देशामध्ये, एका दिवशी पोट कापून सगळी अंडी बाहेर काढण्याच्या भानगडीत पडू नका, पुन्हा अशा घटना घडणार नाहीत या देशामध्ये। आणि म्हणून फिर एक बार मोदी सरकार, कुछ तो धंदा मैं अपना भी करूंगा ना भाजपा का हूं तो,
है ना, इसलिए याच्यासाठी सगळ्यांनी श्रम केले पाहिजे, वेळ दिला पाहिजे आणि आपण सगळ्यांनी प्रण करून निघालं पाहिजे. राहवत नाही म्हणून एक छोटीशी राणा प्रतापांची गोष्ट सांगतो आणि मी तिथे जाऊन बसतो. भाट असतात ना, भाट स्तुती सुमनांचा वर्षाव करणारे, राजाच्या दरबारामध्ये कविता म्हणणारे, सगळ्या राजांच्या दरबारात असायचे, असा एक भाट. ज्यावेळेला राणा प्रताप 22 वर्ष जंगलांमध्ये राहत होते, त्यांच्याकडे गेला आणि त्यांच्या स्तुतिसुमनांच्या काही कविता केल्या. महाराणा प्रसन्न झाले आणि त्यांनी त्यांच्या डोक्यावर त्यावेळेला जो मुकुट होता तो काढला, आणखीन त्या भाटाला दिला. नंतर फिरत फिरत तो भाट अकबराच्या दरबारात पोहोचला आणि अकबरासाठी पण त्यांनी काही स्तुतिसुमनं वगैरे म्हटली असतील. अकबर त्याला म्हणाला की तुमने कविता है तो अच्छी सुनाई, लेकिन आज आने के बाद तुम झुकना भूल गए, तू कुर्निसात नाही केलास, मुजरा नाही केलास, आत आल्यावर तू विसरून गेलास. तो भाट म्हणतो, मैं बिल्कुल भूला नहीं अकबर, लेकिन तुम देख रहे हो मेरे सर के ऊपर कौन सा ताज है, ये वो ताज है जो 22 साल तेरे सामने झुका नहीं है, जिसके ऊपर सर पे ये होगा वो तुम्हारे सामने क्या झुकेगा. म्हणजे केवळ मुकुट महाराणा प्रतापाचा ठेवल्यानंतर एका सामान्य माणसामध्ये जे परिवर्तन होतं, तर हे पुस्तक जर आपण वाचलं तर आपल्यामध्ये काय परिवर्तन होतं याची आपण कल्पना करू. और आप हम लोग तो छत्रपती शिवाजी महाराज की जय में बहुत सारी कुछ चीजें बोलते हैं, महाराणा प्रताप की जय जयकार में क्या आप बोलते हैं वो भी थोड़ा हमारे बच्चों को बताइए, ताकि हम उसको भी ऐड करेंगे और उसके साथ साथ हम भगवान बिरसा मुंडा को भी ऐड करेंगे. और सभागार में कोई सिख बंधु बैठा है या नहीं बैठा है, लेकिन हम सब ने हर कार्यक्रम में बोलना चाहिए, बोलिए जो बोले सो निहाल. अरे काय झालं तुमच्या हातांना, अरे जो बोले सो निहाल. वाहे गुरु दा खालसा. कारण या घोषणा सगळ्या हिंदूंच्या आहेत, फक्त शिखांच्या नाही. धन्यवाद.